दोस्तों, अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अगर अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में या फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद अगर आप अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बेचोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको काफी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके लिए अनिवार्य है भरना शेड्यूल 112A अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। अब शेड्यूल 112A जुलाई 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, पर उस साल ये ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था टैक्स पेयर्स के लिए उसको भरना। पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 से, यानी कि अब से जो हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, उसमें अगर आपको अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के कोई नफा नुकसान है तो आपको शेड्यूल 112A भरना पड़ेगा। अब शेड्यूल 112A एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें 14 कॉलम्स हैं और उन 14 कॉलम्स में से 7 कॉलम ऑटोफिल होते हैं और 7 कॉलम्स को आपको मैन्युअली भरना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि जो डिटेल्स हमारे को हमारी डीमैट कंपनीज या ट्रेडिंग हाउस देते हैं, फिलहाल वो डिटेल्स उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी है ये डिटेल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अरेंज करने में और अरेंज करने के बाद में उसको शेड्यूल 112A में डालने के लिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही आसान है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके ITR1 ऑनलाइन वहीं पे अपने लॉगिन में जाकर फाइल कर सकते हैं और करीब करीब 5 से 10 मिनट में बड़ी आसानी से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR1 के थ्रू भर सकते हैं। पर फर्ज करिए कि आप सैलरी के साथ साथ शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR1 के थ्रू दाखिल नहीं कर सकते, आपके लिए अनिवार्य है ITR2 भरना। अब ITR2 ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ITR2 आपको एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है, उसके बाद उसको मैनुअली भरना होता है पूरे फॉर्म को। जहां ITR1 में 8 पेज हैं सिर्फ, वहीं ITR2 में 28 पेजेस हैं। तो जैसे ही ITR2 आपके सामने में खुलेगा तो हो सकता है कई लोगों के एक बार पसीने छूट जाएं कि इतना बड़ा फॉर्म किस तरह से भरा जा सकता है। पर घबराने की बात नहीं है दोस्तों, कई सारे पेजेस उसमें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। जिस तरह की भी इनकम आपके लिए एप्लीकेबल है उस तरह की इनकम वाली शीट में जाके उसको भर दीजिए और बाकी को इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपना ITR2 भर पाएंगे। ITR2 के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो किस तरह से आप अपना ITR2 एक्सेल यूटिलिटी में भर सकते हो। अब बात करें अगर शेड्यूल 112A की, तो शेड्यूल 112A कई लोगों के लिए दिक्कत और परेशानी का कारण बनता जा रहा है। मान लीजिए आप पिछले 10 सालों से एक SIP हर महीने 5,000 रुपए की डाल रहे थे, यानी कि 10 साल में 120 महीने होते हैं, इन 120 महीनों में 5,000 रुपए करके आपने एक SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब 11वें साल में पहले महीने में आपने इस SIP में जितने भी यूनिट्स थे वो सारे के सारे बेच दिए, या फर्ज करिए कि कुछ यूनिट्स आपने उसमें से बेच दिए। तब इस साल में जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपको पूरे 120 रोज फिल करने होंगे उस SIP के जो आपने खरीदे थे, और 11वें साल में एक एंट्री और डालनी पड़ेगी बेचने वाली। तो यानी कि आपको 121 रो आपको भरने पड़ेंगे इस एक सिंगल SIP के लिए, अगर आप उसको 10 साल बाद बेच देते हो। अब फर्ज करिए इस तरह के आपके पास में 10 SIP थे तो आपको 1210 रोज भरने पड़ेंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त शेड्यूल 112A में। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा काम लोगों के सामने में आ गया है, काफी टाइम लग रहा है लोगों का इसको भरने में। उसी तरह से कई लोग अपना इन्वेस्टमेंट STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान अगर आपने लिया हुआ है तो जैसे ही आपका पैसा एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफर होगा उसको रिडेम्पशन माना जाएगा और उसकी डिटेल भी आपको शेड्यूल 112A में डालनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर किसी ने SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में भी अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ विड्रॉ किया है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हुआ है, तो आपको शेड्यूल 112A के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने कब कब कितना कितना विड्रॉ किया है और कब कब उन यूनिट्स को परचेज किया था। तो वो सारी डिटेल्स रो वाइज आपको शेड्यूल 112A में डालना पड़ेगा। तो बेसिकली शेड्यूल 112A उन लोगों के लिए काफी दिक्कत और परेशानी दे रहा है जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू, STP के थ्रू या SWP के थ्रू करते आ रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और खास तौर पे SIP, SWP, STP, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अब से जो भी डिटेल जाएगी, सारी डिटेल्स परचेज की और सेल की इंडिविजुअली अलग अलग जाएगी, वो सारी आपको भरनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं भरोगे, इग्नोर करोगे, तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस कोई भी नहीं चाहता है कि उसके पास में आए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से आपको बचे रहना है। शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेड्यूल 112A को बड़े ही ध्यानपूर्वक पेशेंटली भरिएगा, ताकि आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरह का नोटिस ना भेज सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।